हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट वाली पूरी, जो हलवा पूरी बाज़ार से मिलती है, बिल्कुल बाज़ार जैसी हम तैयार करेंगे। तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ बनेंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने मैदा लिया है जो कि मैं 2.5 कप लूँगी और इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। ये हमारे हैं 2 कप और ये 1/2 कप मैं मैदा लूँगी और इसमें डालूँगी 1/2 कप मैं गेहूँ का, जो रेगुलर इस्तेमाल में आता है वो वाला आटा। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पूरी बनती है। ये जो हमारा मैदा होता है इलास्टिसिटी देता है और ये सॉफ्टनेस देता है। तो ये हमने 3 कप ले लिया है मैदा और आटा मिक्स करके, और इसमें 1/2 चम्मच हम डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे दही, ये पूरी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है, और इसमें खमीर लेके आता है। तो ये सिर्फ हमने 2 चम्मच डालने हैं। तो हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम इसको हल्के नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे और वो इसको फूलने में मदद देगा। गर्म पानी से अगर हम गूंदेंगे तो आटा बहुत सॉफ्ट बनता है। अभी हम फिलहाल 1 कप ले रहे हैं, फिर देखते हैं और कितना इस्तेमाल होता है। तो ये हमने नीम गर्म लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना, नीम गर्म। और जैसे नॉर्मल रोटी का आटा होता है इसी तरह का हमने सॉफ्ट गूंद के आटा तैयार करना है। थोड़ा सा पानी है, ये मैंने दूसरा कप लिया, इसमें से लेंगे। ये देखें इस तरह का आटा हमारा होना चाहिए। ये देखें इस तरह हमारा आटा जो है ऐसे, ये देखें खुद बहुत ही ये नीचे आ रहा है, इतना नरम होना चाहिए। इसको हम अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट गूंद लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी या ऑयल, मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। 1 चम्मच हमने घी ले लिया है, इसमें हम इसको अच्छे तरीके से गूंद के इसको अच्छा सा एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। मैंने ये देखें इतना गूंद के 3 से 4 मिनट, अब इसको काउंटर पे निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें इलास्टिसिटी पैदा करेंगे, इस तरह हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। ये देखें अभी जैसे टूट रहा है ना, इस तरह ये नहीं होना चाहिए। जितना सॉफ्ट और अच्छा आटा गूंदेगा उतनी पूरी आपकी ज़बरदस्त फूल के तैयार होगी। ये देखें 1 से 2 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरह मल लिया है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा डो जो है वो इतना सॉफ्ट है, सॉफ्ट सा बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। ये हमने इस तरह की कोई ट्रे ले लेनी है और उसके अंदर हमने अब लगाना है घी को, घी या ऑयल जो भी आपके पास है आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें खुश काटे का कोई काम नहीं है। अब आगे जो भी काम होगा वो घी से ही होगा, घी या ऑयल। अभी हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। आप जो भी साइज़ बनाना चाहते हैं उस साइज़ का बना सकते हैं, मैं बिल्कुल बाज़ार वाले साइज़ की बनाऊंगी। ये हमारी 6 पूरियां बनके इसकी रेडी हो जाएंगी। तो हाथों को हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। हमारी पूरी जो है ये देखें इस तरह हमने पेड़ा बनाना है, और सारे पेड़े जो हम रेस्ट देंगे अभी, जो आखिरी और फाइनल स्टेप है इसका, वो हमने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है। ये बहुत ही ज़रूरी है पूरी को सॉफ्ट और फूलने के लिए, बहुत ज़रूरी स्टेप है ये। अभी हम इसको पेड़े बना के और फिर हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। आपने दुकानों पे देखा होगा वो पेड़े बना के और बिल्कुल घी में छोड़ देते हैं, फिर जब कोई लेने आता है उसी वक्त बना के देते हैं, तो वो बहुत ही सॉफ्ट और फूली हुई पूरियाँ बनती हैं।
ये देखें हमारे पेड़े जो हैं वो सारे बन के तैयार हो गए हैं। ज़्यादा बड़ी बन रही थी तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिए। ये सारे पेड़ों के ऊपर घी डाल देंगे। घी को मैंने थोड़ा सा पिघला लिया है इस तरह। घी के अंदर 1 घंटे के लिए पड़े रहेंगे पेड़े। ये इसका लाजमी स्टेप है, इसके बगैर आपकी पूरी जो है वो नहीं अच्छी बनेगी। ये करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप 1 घंटे का रेस्ट दें इस तरह इसको, ताकि इसके ऊपर खुश्की भी ना आए और ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये इस तरह इसको हम ढक के और 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आपके पास अगर प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसको किचन टॉवल के साथ भी ढक सकते हैं या किसी बर्तन के साथ भी ढक सकते हैं। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए इधर ही किचन टॉवल पे, किचन काउंटर पे छोड़ दूंगी ऐसे। फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। पूरा 1 घंटा हो गया है, हमारे पेड़े जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम पूरियां बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने ऑयल रख दिया है, ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें बना सकते हैं। हम ये मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए मैं उसी में बना रही हूँ। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल आपका जो है वो फुल गर्म होना चाहिए, मतलब बिल्कुल तेज़ गर्म जो होता है उसमें। अगर कम ऑयल गर्म होगा तो फिर पूरी ऑयल ज़्यादा पीती है और फूलती भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा ऑयल को ना तेज़ गर्म करना चाहिए पूरी बनाते वक्त। तो अभी यहाँ पे ये हमने किचन काउंटर को साफ़ कर लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको हमने ऑलरेडी ऑयल में लगा के रखा हुआ है, इसको हमने बेलना नहीं है। ये देखें इतना सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें खुद ब खुद ही आप इसको ऐसे करते जाओगे ना तो ये खुद ब खुद ही फैलती जाएगी पूरी की शेप में। जितनी बड़ी आप रखना चाहते हैं उतनी बड़ी आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें इसको दुकानों वाले तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, हम मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, उनका साइज़ इससे छोटा होता है। इस तरह हमने इसको हाथ से बेल लेना है और बिल्कुल हमने गर्म ऑयल में इसको डाल देना है। इस तरह हमने इसको पकड़ना है और ऐसे डाल देना है। इसके साथ हमने फौरन जो है इसको दबा देना और ये जल्दी से पक जाती है। इसकी साइड फौरन हमने चेंज कर देनी है, सिर्फ इतनी सी देर हमने इसको पकाना है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। ये हमारी पूरी जो है ये बनके तैयार हो गई है। अब हम इसका ऑयल जो है वो सारा निकाल देंगे। हम ऐसे एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि ऑयल इसका अच्छे तरीके से निकल जाए। इसी तरह हम दूसरी भी बेल लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पटरे की ज़रूरत नहीं होती है और इस तरह हम इसको उठाएंगे और ऑयल में इस तरह से लेंगे। फिर हमने इसको ऊपर से ऐसे करना है। फौरन इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर ये सारा ऑयल हम इसमें से निकाल देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गुब्बारे की तरह फूल गई है। इस पूरी को हम चने के सालन के साथ और हलवे के साथ सर्व करेंगे और इन दोनों चीज़ों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और उनका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख के और बना सकते हैं। तो अभी इसी तरह हम बाकी की भी सारी बना लें फिर आपसे मिलते हैं। देखिए हमारी सारी पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं और ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें कितनी सॉफ्ट हैं बिल्कुल, ये देखें, और बहुत ही मज़ेदार हमारी पूरियां बनके तैयार हो गई हैं। तो अभी हम इसको प्रेजेंट करेंगे हलवे के साथ। देखिए हमने साथ में बनाई है आलू चने की तरकारी और ये साथ में हमने बनाया है हलवा, बिल्कुल बाज़ार जैसा।
और ये हमने बनाई हैं पूरियां, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी, और मैंने इनको बनाया है सरसों के तेल में, तो और ज़्यादा हेल्दी हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं, इतनी बीमारियां आ गई हैं, तो आप कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को हर चीज़ घर में बना के दिया करें। तो अगर आपको ये मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।